गणतंत्र दिवस परेड के लिए आपका अपना चैनल दूरदर्शन बिल्कुल तैयार है। आजादी के 75वें वर्ष में गणतंत्र दिवस परेड के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने इस वर्ष भी व्यापक इंतजाम किए हैं और 60 से ज्यादा हाई डेफिनेशन कैमरे भारत और दुनिया भर के लोगों के लिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेंगे और दुनिया भर के दर्शकों तथा सजीव प्रसारण भी दूरदर्शन के द्वारा किया जाएगा। ये भारत की आजादी का 75वां वर्ष है। इस बार गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण होगा गणतंत्र दिवस परेड और फ्लाई पास्ट। इसके साथ ही दर्शकों के लिए कई अन्य सुखद आश्चर्य भी होने वाले हैं। इसके लिए दूरदर्शन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दूरदर्शन ने राजपथ और इंडिया गेट पर 360 डिग्री दृश्य देने वाले जिमी जिप्स और क्रेन्स के साथ 60 से ज्यादा HD कैमरे लगाए हैं। सारा कवरेज जो है वो हाई डेफिनेशन है। इसके अलावा एक विशेष चीज ये है कि 120 फुट ऊंची एक क्रेन लगी हुई है जिसके ऊपर कैमरा है हमारा, वो राजपथ के बड़े विहंगम दृश्य को लेकर दर्शकों के सामने आएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, प्रसार भारती के CEO और दूरदर्शन के महानिदेशक ने सोमवार को राजपथ पर तैयारियों की समीक्षा की। दूरदर्शन ने लाइव अपलिंक के लिए कई OB-WAN तैनात किए हैं। दृश्यों के ऑनलाइन संपादन के लिए भी एक प्रोडक्शन कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस बार दूरदर्शन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस बार जो है 59 कैमरास इस बार टोटल लगाए हैं जो कि मेरे ख्याल से मैक्सिमम है जो आज तक कभी लगे हैं। और फिर जो है कुछ इनोवेशन भी हुए हैं, जैसे नेशनल स्टेडियम के ऊपर भी इस बार कैमरा किया जा रहा है, पूरा कवरेज होगा। और कुछ शॉट्स जो बाकी जैसे प्लेन कहाँ से टेक ऑफ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो भी हम मिक्स करेंगे। काफी इस बार का जो परेड होगा उसमें नए किस्म का और देखने को मिलेगा दूरदर्शन। We have also made several of these live streams available on our digital platforms and so you can choose your choice of view, choice of perspective, be it 360 degree cameras or long shot cameras and so on. So it's going to be a visual treat. दर्शक राजपथ, विजय चौक और इंडिया गेट से शानदार दृश्यों और धमनियों के साथ एक रोमांचक अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं और दूरदर्शन नेटवर्क के सभी चैनलों के अलावा वो YouTube पर लाइव स्ट्रीम के साथ साथ DD के अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर भी ट्यून कर सकते हैं।